नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। सतना में पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सतना जिले के सभापुर थाना प्रभारी की मुश्तैदी से एक घर में छापामार कार्रवाई करते हुए नशे की दवाएं, टैबलेट्स, इंजेक्शन, अवैध हथियार और अवैध नकदी बरामद की गई है। पूरा मामला सतना जिले के सभापुर इलाके का बताया जा रहा है। सभापुर थाना प्रभारी आशीष ध्रुवे ने ग्राम बिरसिंहपुर कस्बे में ये छापामार कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की। इस सूचना के बाद यहां रहने वाले अनिल गुप्ता के घर में नशीली दवाएं, टैबलेट, अवैध हथियार और 1,00,000 रुपए से अधिक की नकदी पकड़ी गई है। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने इस पूरे मामले की जानकारी। देखिए, नशे के विरुद्ध में पुलिस का एक अभियान, सतना पुलिस का अभियान चल रहा है। उसमें सभापुर में एक व्यक्ति के बारे में हमें बार बार सूचना मिल रहे थे, तो उनके घर में आज पुलिस ने रेड किया तो 1,20,000 करीब की कीमत कोरेक्स और नशीली जो टैबलेट है और दारू मिले हैं और एक 315 का और का कट्टा और 2 जिंदा जो राउंड है वो भी मिला है। कुल मिला के वो छोटा सा एक गैंग था जो वहाँ पे बहुत दिनों से ऑपरेट कर रहा था। इनका एक तरीका भी अलग था कि ये कॉरक्स और नशीले दवा को फर्नीचर के अंदर सीक्रेट उसमें अंदर ड्रॉयर्स बना के उसमें छुपा के रखते थे। बहुत बार पुलिस ने वहाँ रेड किया तो कुछ सफलता नहीं मिली। इस बार मुखबिरी से हमको पता चला कि वो ऐसे उसको छुपा के रखते हैं, तो इस बार गया तो फर्नीचर सब हम लोगों ने खोल के देखा तो उसमें ये सफलता मिली है। करीब 1,20,000 के जो है सामान जब्त हुआ है।